सनी देओल के बेटे करण देओल ने रखी एक प्री वेडिंग पार्टी। मंडे शाम मुंबई में रखी गई थी ये पार्टी, जिसमें शामिल हुए अभय देओल, सनी देओल और बॉबी देओल। ये पार्टी एक प्राइवेट पार्टी थी, जिसमें सिर्फ फैमिली और क्लोज फ्रेंड नजर आए। अभय देओल और करण ने इस पार्टी की कुछ तस्वीरों को शेयर किया है, जहां करण ने अपने पापा और भाई संग एक तस्वीर को शेयर कर लिखा, कुडंट बी मोर ग्रेटफुल माय बेस्ट मैंस, और कुछ हैशटैग्स ऐड किए। वहीं अभय देओल ने भी कुछ तस्वीरों को शेयर किया है। इन तस्वीरों में एक तस्वीर फैमिली तस्वीर है, जिसमें अभय, बॉबी, करण और राजवीर सभी कैमरा को देख स्माइल करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में अभय फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ तस्वीर में स्माइल करते नजर आ रहे हैं। अभय ब्लैक आउटफिट में काफी हैंडसम दिख रहे हैं। इससे पहले प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हो रही थी, जिसमें करण और त्रिशा दोनों एक साथ नजर आ रहे थे। ये दोनों एक बड़ा सा व्हाइट केक काटते नजर आ रहे थे, जिसके बाद उस केक को दोनों ने एक दूसरे को खिलाया भी था। करण जहां ब्लू कुर्ते में इन तस्वीरों में नजर आ रहे थे, तो वहीं त्रिशा पीली साड़ी में नजर आ रही थी। हम आपको बता दें कि करण और त्रिशा लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और कुछ महीनों पहले एक प्राइवेट सेरेमनी में दोनों ने एक दूसरे के साथ सगाई भी की। वहीं शादी की अगर बात की जाए, तो 16 से 18 के बीच में शादी के सभी फंक्शन सेलिब्रेट किए जाएंगे। त्रिशा की अगर बात की जाए, तो त्रिशा दुबई में रहती है, जहां वो एक ट्रैवल एजेंसी के साथ काम करती है। इसी के साथ त्रिशा विमल रॉय के रिश्ते में भी लगती है। शादी की अगर बात की जाए, तो शादी के सारे फंक्शन मुंबई के बांद्रा के ताज लैंड में रखे गए हैं। करण सनी देओल और पूजा देओल के पहले बेटे हैं, जिन्होंने अपने बॉलीवुड के पल पल दिल के पास के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसी के साथ करण अब अपने 2 में भी नजर आएंगे। अनिल शर्मा की इस फिल्म में धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल भी नजर आने वाले हैं। इससे पहले यमला पगला 2 के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं करण। वेल, करण के शादी की सेरेमनी की और भी तस्वीरों को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।